अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा लें तो पाते हैं कि मात्र 37,566 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं और ये कंटिन्यू डिक्लाइन बना हुआ है, यानी कि जो रिपोर्टेड पीक थी देश में उससे 91% केसेस में हमने डिक्लाइन नोट किया है। पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस पर देश में जो केसेस है उसमें कमी नोट की जा रही है, जहां एक स्थाई पर 5 से 11 मई वाले हफ्ते में 3,87,000 एवरेज केसेस देश में डेली रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटते घटते 48,434 केसेस हो चुकी है। अगर हम देखें कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में इस हफ्ते कितना डिक्रीज हुआ है, तो उसमें भी यह डिक्रीज और यह डिक्रीज की एक औसत परसेंटेज बनी हुई है और हमने पिछले एक हफ्ते में 17% डिक्रीज इन एवरेज डेली न्यू केसेज रिपोर्टेड देखा है। इसी के साथ ही वह डिस्ट्रिक्ट जो कि हाई नंबर ऑफ केसेस यानी कि 100 से अधिक केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे, जहां 4 मई वाले हफ्ते में वह से डिस्ट्रिक्ट 531 थे देश में, इसी तरह से 2 जून को वह नंबर घटकर 262 जिले रह गया और अब इस नंबर में फर्दर कमी नोट की जा रही है और 111 जिले ही ऐसे हैं जहां पर डेली 100 केसेस से अधिक केसेस नोट किए जा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें कि 4 मई से लेकर 27 जून तक के हफ्ते में ऐसे 420 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में जहां पर कि एक ड्रास्टिक एक फर्दर नोटिसेबल रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड नोट किया गया है। एक स्थाई पर देश में जो केसेस आ रहे हैं उसमें कमी नोट की जा रही है, दूसरे स्थाई पर हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी और हमारे फील्ड फंक्शनरीज के कोऑर्डिनेशन का एफर्ट के रूप में हम देख रहे हैं कि देश की रिकवरी परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है, जहां 3 मई के समय पर देश में ओवरऑल रिकवरी परसेंटेज 81.8% थी, 20 जून को वह 96.3% थी और नेक्स्ट 9 डेज में भी हमने उसमें बढ़ोतरी नोट की है और अब वह बढ़ते बढ़ते 96.9% हो चुकी है। हम यही स्टेट्स के साथ मिलकर अफर्ट करते हैं कि हमारा फोकस क्लिनिकल मैनेजमेंट और सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन पर बना रहे ताकि इस रिकवरी परसेंटेज को हम और बढ़ा सकें। साथ ही एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे होम आइसोलेशन में गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हम लोगों ने नोट की है। अगर आप देखें जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह अब घटकर 5.5 लाख के करीब एक्टिव केसेज रह गए हैं, जिसका मतलब है कि लेसर नंबर ऑफ एक्टिव केसेज मीन्स लेसर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज टू दैट एक्सटेंट लेसर स्ट्रेन ऑन द हेल्थ सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ दीज केसेज। और अब हम देखें तो देश में 31.9 लाख के करीब जो एक्टिव केसेज थे उसमें 10 मई के समय से अब तक कमी नोट की गई है। इसी के साथ ही हमने इससे पहले भी इस पर चर्चा की है कि टाइमली टेस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट एड इज ए इंपॉर्टेंट टूल टू आइडेंटिफाई केसेज अर्ली। जब हमने देश में केसेस में एक बढ़ोतरी का सिलसिला नोट किया, उसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ चर्चा करते हुए देश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई, जहां हम 7.5 लाख टेस्ट ऑन एन एवरेज डेली मार्च के समय पर कर रहे थे, पीक के समय पर हमने 21 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए और अब जब देश में 91% हमारे जो डेली केस रिपोर्ट है पीक से कमी नोट हुई है, तो भी देश में 18 लाख औसतन डेली टेस्ट किए जा रहे हैं। एफर्ट यही है कि अर्ली टेस्टिंग के द्वारा हम टाइमली केस को आइडेंटिफाई कर सकें और इन एफर्ट्स का अर्ली डिटेक्शन का जो हमें सपोर्ट मिला है वह था जो एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन सेकेंड वेव के पीक के समय पर नोट किया गया, जो बढ़ते बढ़ते 21.3% हो गया था, अब उसमें 85% डिक्रीज नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 3.2% इज द केस पॉजिटिविटी इन द लास्ट 1 वीक। इसी के साथ ही देश में कंटिन्यूड एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन पर जो प्रयत्न किए गए हैं उसमें मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब हमने 33 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डोजेज आज दोपहर 3 बजे के समय पर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको क्रॉस कर लिया है। इसमें आप देखें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको 19.57 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर, पीपल अबव 18 टू 44 ईयर्स ऑल्सो जिनको 9.1 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर दी जा चुकी हैं। देश में अब तक टोटल
फर्स्ट डोजेज की कवरेज 27.27 करोड़ है और सेकेंड डोज में भी 5.84 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। यहां मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे फील्ड स्थाई के जितने हमारे फंक्शनरीज हैं उनके सपोर्ट से हर तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए अगर हम देखें तो जनवरी में औसतन हमने 2.35 लाख डोजेज पर डे कवर की, फरवरी के माह में वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख डोजेज बढ़ चुकी थी, मार्च में 16.39% लाख डोजेज पर डे और अप्रैल में वह बढ़ते बढ़ते 30 लाख डोजेज पर डे के औसतन तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन करते आ रहे थे। मई में हमने देखा कि उसमें कुछ डिक्रीज नोट किया गया है 19.69 लाख डोजेस पर डे, लेकिन कंटिन्यूड एफर्ट्स इन कोऑर्डिनेशन स्टेट अब हम देखें तो 28 जून तक पिछले इस जून के महीने में औसतन 40 लाख से अधिक डोजेस प्रतिरोध देश में दी जा रही हैं। इसके एफर्ट्स के रूप में आप देखना चाहें तो देखेंगे कि अप्रैल के माह में टोटल वैक्सीनेशन जो हुआ डोजेज जो दी गई वह थी 8.99 करोड़ डोजेज, मई में 6.1 करोड़ डोजेज और जून में अब तक 10.75 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। अगर हम जब हमने नई पॉलिसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जिसमें कि 75% डोजेज स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री दी जाती हैं उसके समय से नोट करें तो हम देखते हैं कि औसतन 57.68 लाख डोजेज हम डेली देश में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसी तरह से एक चर्चा हम सब के बीच में इससे पहले भी हुई है कि रूरल और अर्बन डिवाइड तो नहीं है, उस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। अगर हम देखें कि रूरल प्रांत में जो हमारे सेंटर्स हैं वर्सेज अर्बन प्रांत में जो हमारे सेंटर्स हैं और माने कि उन सेंटर्स में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन आती है तो हम देखें कि हमारी रूरल की कवरेज 9.72 करोड़ डोजेज है 1 मई से 24 जून जो यानी कि 56% है और अर्बन की 7.68 करोड़ डोजेज है जो कि 44% है। तो यहां हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जैसे रूरल प्रांत में हमारी ये डोजेज हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे क्योंकि हमारी काफी देश की जनसंख्या ग्रामीण प्रांतों में रहती है, हम उनको भी उसी सुचारू रूप से कवर करना चाहते हैं। एक और विषय कई बार चर्चा में आता है कि महिलाओं वर्सेज मेल वर्सेज फीमेल में वैक्सीनेशन का क्या औसत है, तो हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर हम अपना डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि एक स्थाई पर 14.99 करोड़ डोजेज महिलाओं को दी गई हैं और मेल लेवल पर 17.48 करोड़ डोजेज अराउंड 54% डोजेज दी गई हैं। इसी के साथ ही क्योंकि हम अदर जेंडर को भी कैटेगराइज करके वह वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करते हैं तो करीब 54,000 के करीब डोजेज अदर जेंडर को भी इस समय में दी गई हैं। मुख्यतः अगर हम देखें कि हमारे देश की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो कि 18 साल से अधिक की है जो कि हमारा प्रायोरिटी एज ग्रुप है वह अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन अगर हम 94.4 करोड़ माने तो हम देखते हैं कि 18 से 44 वाले एज ग्रुप में अब तक टोटल 59.7 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं जो कि साथ में हमारे सामने जो डेटा बताता है कि हमने 15% जो इस एज ग्रुप के लोग उसको फर्स्ट डोज से कवर किया है। इसी तरह से 45-59 ईयर्स के एज ग्रुप में 42% पीपल विद इन दिस एज ग्रुप हैज बीन कवर्ड विद फर्स्ट डोज, 60 साल से अधिक के एज ग्रुप को अगर देखें तो 49% पीपल हैव बीन कवर्ड विद सेकंड डोज फर्स्ट डोज। इसी तरीके से अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जो अफर्ट किए गए हैं फील्ड स्थाई पर और पूरे जो वैल्यू एडेड चेन जो हमारा एंड टू एंड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्यक्रम है उसके तहत अगर हम देखें तो जहां यूनाइटेड किंगडम में स्टार्टिंग ऑफ वैक्सीनेशन वाज डन ऑन 8 दिसंबर, इसी तरह से और जो डेवलप्ड देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें 14 दिसंबर को शुरू हुआ, इटली में 27 दिसंबर को शुरू हुआ, जर्मनी और फ्रांस में 27 दिसंबर को शुरू हुआ वह कार्यक्रम और इंडिया में हमने अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए 16 जनवरी को जब यह कार्यक्रम शुरू किया तो आज हम देखते हैं कि जहां यूनाइटेड किंगडम में टोटल डोजेज एज पर द अवेलेबल डेटा इज अराउंड 7.67 करोड़, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में जहां 32.44 करोड़ डोजेज दी गई हैं, इटली में अराउंड 5 करोड़, जर्मनी में अराउंड 7.2 करोड़ और फ्रांस में अराउंड 5.25 करोड़, और उसके कंपैरिजन में हम देखें
कि चाहे हमने थोड़े से लिमिटेड डिले के साथ भी शुरू किया, आज हम देखते हैं कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स को भी सरपास करके 33 करोड़ से अधिक डोजेज इस देश में अपने नागरिकों को प्रोवाइड की हैं। इसी के साथ ही अगर आप देखें कि किस तरीके से एफर्ट्स किए गए, तो हम देखेंगे कि हमने 30 करोड़ का जो बेंचमार्क था, अगर जो अवेलेबल डेटा कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 174 दिन लिए, इंडिया ने उसी 30 करोड़ बेंचमार्क को 159 डेज में कवर किया। इसी के साथ ही 31 करोड़ का बेंचमार्क जहां यूनाइटेड स्टेट्स में 183 डेज लगे, इंडिया ने उसको केवल दो दिन बाद ही यानी कि 161 डेज में पूरा किया। इसी के साथ ही आज हम 32 करोड़ का अगर बेंचमार्क की बात करते हैं, तो जहां यूनाइटेड स्टेट्स को 193 डेज लगे और आज हमने उसको 163 दिनों में पूरा किया। यहां मुख्यतः यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का जो एक कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत होती है। एक स्थाई पर रिसर्च द्वारा वैक्सीनेशन डोजेस को बनवाना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा जिसमें क्वालिटी पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाए, उसको बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग होना, टेस्टिंग होने के बाद पूरे देश में हर प्रांत में, हर जिले में, हर रूरल एरिया, इवन ट्राइबल एरिया में उन वैक्सीन्स को समय के साथ पहुंचाना, पहुंचाते समय कोल्ड चेन का मेंटेनेंस, उसके साथ ही हमें पूरे प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर जो कि ये वैक्सीन लोगों को लगाएंगे, साथ में एडवर्स इवेंट की मॉनिटरिंग के पूरे प्रोसेसेस, और उसी के साथ ही लाभार्थी का चयन, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसको इन्फॉर्म करना कि आपको इस वैक्सीन सेंटर में इस समय आना है और साथ में आपको सेकेंड डोज इस दिन ड्यू होगी, क्या आपको ये इंटीमेशन देना। यह सारा कार्यक्रम, पूरा प्रोग्राम मैनेजमेंट, इट इज नॉट एन ईजी टास्क, बट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट गिवन बाय आर फील्ड फंक्शनरीज, वी वुड लाइक टू सबमिट कि हमने इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। आज हम यह कह सकते हैं कि हमने 33 करोड़ का बेंचमार्क भी क्रॉस किया। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमने पिछले 8 दिनों में 4.61 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की। यह नंबर वह नंबर है जो कि अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो दूसरे देशों की पॉपुलेशन से भी अधिक है। इराक, कैनेडा, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अगर हम ऐसे ही और अधिक देशों की पॉपुलेशन से इससे कंपैरिजन करें तो देश में बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय ऑल स्टेक होल्डर्स एंड सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी, हम लोग 4.61 करोड़ डोजेज पिछले 8 दिनों में दे पाए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि एक दिन में हम कितनी औसतन डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यह नंबर भी कई देशों की पॉपुलेशन से अधिक है। उदाहरण के रूप में फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, न्यूजीलैंड हो, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की पॉपुलेशन से अधिक हमारे देश में आज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के द्वारा हम फर्स्ट डोज सिंगल डे में इतनी डोजेस दे पा रहे हैं। इस समय पर जब हम इन वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम सबको अवगत है कि हम पिछले कुछ दिनों से केसेस में कमी नोट कर रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, लेकिन जरूरी है कि जब आज हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, हम इस मंच के द्वारा, हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी जो 5-fold स्ट्रैटेजी है फॉर कोविड मैनेजमेंट, इट स्टिल रिमेन सेम। वायरस आज भी हमारे बीच में है, वायरस का खतरा अभी भी उतना ही बना रहेगा अगर हमने रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लिया। तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि हमारा टेस्टिंग पर ध्यान बना रहे, हमें कोई भी सिम्टम हो हम बिना डिले करें अपने आप को टेस्ट कराएं। अर्ली टेस्टिंग विल हेल्प अस इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड लेस कॉम्प्लिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ केस। तो हम आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोगों की श्रद्धा इस विषय पर बनी रहे, कोई भी सिम्टम्स हो तो बिना कोताही करे हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं। उसके साथ ही अगर कोई हमें शक हो, कोई डाउट हो कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हम अपने लोगों, दूसरे लोगों से आइसोलेट करें और ट्रैकिंग में गवर्नमेंट का सपोर्ट करें, आइडेंटिफिकेशन की कौन कौन से हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हमारे द्वारा बीमारी लगने की शंका हो सकती है, सर्वेलेंस में सपोर्ट करें, और मुख्यतः कंटेनमेंट, हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम वायरस को फैलने ना दें, यानी कि वी फोकस ऑन ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। इसी तरह से जरूरी है अगर हमें सिम्टम्स दिखते हैं, अगर हम पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो हम इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल जो कि हमारे लिए नीडेड हो या होम आइसोलेशन हो, हम उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें। और साथ ही हम हमारे देश में जो वैक्सीन्स बन रही हैं, उन वैक्सीन्स, दे आर ऑल सेफ वैक्सीन्स, दे आर ऑल एफिकेशियस वैक्सीन्स,
इससे पहले भी हमने इस मंच पर कहा है कि इवन व्हेन द डिस्कशन अबाउट वेरिएंट इज गोइंग ऑन, साइंस हैज प्रूव्ड इट टू अस कि हमारी वैक्सीन आज भी एफिकेशियस हैं, आज भी यूजफुल हैं, तो हमारा वैक्सीन पर भी उसी तरह से श्रद्धा बनी रहे और हर आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप वैक्सीन को जब भी उनके प्रांत में अवेलेबल हो उसको स्वीकार करें और उसको इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम प्रिवेंशन पर ही काम करेंगे तब हम अपने आप को कोविड से हर तरीके से बचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है, दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि एक स्थाई पर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है लेकिन कोविड से रिलेटेड बिहेवियर में हमारी कोई भी कोताही ना हो, जरूरी है यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी एंड इफेक्टिव हैंड हाइजीन, उसका हम दृढ़ रूप से पालन करें। हम यह मानकर रखें कि हमारी कोई भी गलती हमारे को और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने इस विषय में कई बार बात की है, हम गवर्नमेंट की तरफ से आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, हेल्प अस टू हेल्प यू, आप हमारी हेल्प कीजिए इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ताकि हम ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट के इस लड़ाई में सफल हो सकें। धन्यवाद।